नमस्कार बच्चों गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या प्रणाली जो हम अपने देश में प्रयोग करते हैं संख्याओं को गिनने में रुपए पैसे का हिसाब किताब लगाने के लिए और बाकी गुणा भाग करने के लिए हर किसी काम के लिए हम अपने देश में इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या प्रणाली का उपयोग करते हैं हम आज की कक्षा में भारतीय संख्या प्रणाली को पढ़ेंगे तो हम भारतीय संख्या प्रणाली क्या होती है और विदेशी संख्या अगले कक्षा में हम विदेशी संख्या प्रणाली को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि भारतीय संख्या प्रणाली इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या अंतर है अंतर को जानेंगे और हम कैसे इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भारतीय संख्या प्रणाली को विदेशी संख्या प्रणाली विदेशी को भारतीय में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं तो भारतीय संख्या प्रणाली के लिए हमें सबसे पहले जानना चाहिए सौ तक की गिनती एक से सौ तक की गिनती हमें आनी चाहिए उसके बाद ही हम इसे सीख सकते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हम सभी बच्चे एक से सौ तक की गिनती तो पहचान लेते ही होंगे तो शुरू करते हैं हम आज की कक्षा आज की क्लास इंडियन नंबर सिस्टम तो इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे कोई एक हम नंबर लेते हैं चौरासी करोड़ पंचानवे लाख अड़सठ हजार पांच ये एक बड़ी नम संख्या है बड़ी संख्या से ही हम भारतीय संख्या प्रणाली को समझ सकते हैं अदरवाइज हम भारतीय संख्या प्रणाली इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम विदेशी संख्या प्रणाली में हम अंतर नहीं कर सकते क्योंकि छोटी संख्या के लिए विदेशी संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली एक समान होती है इस क्लास इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उन क्वेश्चंस को जो उनके आंसर सही देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा और ये माना जाएगा कि उन्होंने आज की क्लास अच्छी तरीके से सीखी है आज की क्लास में सीखने में ध्यान दिया है तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें दो शब्द भी आते हैं एक तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू एंड अंकित मान फेस वैल्यू मान एंड अंकित मान प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू तो हम सबसे पहले हम जो हमें नंबर मिलेंगे हम उसे इकाई, ढाई सैकड़ा हजार में डिवाइड करेंगे ये है इकाई एक वंश दहाई दहाई दस सैकड़ा हजार एक हज़ार दस हजार एक के बाद चार जीरो दस हजार इसके बाद लाख दस लाख करोड़ एक के बाद दस हजार एक के बाद चार जीरो लाख पांच जीरो और दस लाख में एक, के जीरो, एक करोड़ में एक के बाद सात जीरो और दस करोड़ एक के बाद आठ ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दस ज़ीरो तो ये मैंने लिख दिए इक्ई दहाई दस हज़ार सैकड़ा हंड्रेड सौ सैकड़ा सौ हज़ार एक के बाद तीन जीरो थाउजेंड दस हज़ार ट थाउजेंड लाख लैख टेन लाख दस लाख करोड़ और दस करोड़ ये है इनकी प्लेस वैल्यू तो हमें सेवन की प्लेस वैल्यू तो अंकित मान और स्थानीय हम बाद में देखेंगे सबसे पहले है हम देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ दस करोड़ तक की संख्या है तो इसमें क्या है इकाई दहाई सैकड़ा तक तो एक संख्या चलती है इकाई और दहाई का अलग एक जोड़ा चलता है सैकड़ा अलग रहता है उसके बाद सैकड़ा अलग रहता है हजार और दस हजार का एक अलग जोड़ा चलता है लाख और दस लाख का एक अलग जोड़ा चलता है और करोड़ और दस करोड़ का एक अलग जोड़ा चलता है इस तरीके से इनके ग्रुपिंग होती है तो जो हमने संख्या ली थी तो अब उसे हमने अलग अलग लिख दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ वही हम दूसरी संख्या लिए अंकों में लिखी है इसमें हम यहाँ पे ऊपर इकाई दहाई हजार दस हजार लाख दस लाख चौबीस सैकड़ा छूट गया इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ तो ये संख्या अब हमने इसे छोटा छोटे रूप में लिख दिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ इकाई में एक दहाई में दस सैकड़ा में सौ हजार में एक के बाद तीन जीरो दस हजार में चार जीरो वन के बाद एक के बाद लाख में पाँच जीरो दस लाख में छः जीरो करोड़ में सात जीरो और दस करोड़ में एक के बाद आठ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ जीरो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ तो इसमें भारतीय नंबर सिस्टम में क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम में जो हमें 99 नाइन तक की काउंटिंग आनी चाहिए जो तो वो हमें पेयर बनाने के लिए हेल्पफुल रहती है इकाई दहाई का एक पेयर बनता है सैकड़ा इन अकेला रहता है हजार और दस हजार का एक अलग पेयर बनता है लाख दस लाख का एक अलग पेयर बनता है और करोड़ दस करोड़ का अलग जोड़ा बनता है करोड़ दस करोड़ इसके बाद और भी बड़ी संख्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभी इस क्लास में यहीं तक इसी में हमें इंडियन नंबर सिस्टम और फॉरेन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हमें ज्ञान नॉलेज मिल जाएगी जानकारी मिल जाएगी तो यदि किसी जगह पे जीरो आ रहा है तो वो जीरो हो जाएगा जीरो हजार जीरो दस हजार तो इंडिविजुअल रह जाएगी विद इन जीरो टू नाइन के रेंज में हो जाएगी तो इस तरीके से भारतीय नंबर सिस्टम में रहता है तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे आठ दस करोड़ नहीं पढ़ेंगे और नौ दस लाख नहीं पढ़ेंगे छः दस हजार नहीं पढ़ेंगे इसे हम पढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग हम लिखेंगे राइट right टू लेफ्ट इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ उसे लिखने के बाद फिर हम जोड़े बनाएंगे पहला जोड़ा फिर एक अकेला फिर जोड़े फिर जोड़ा फिर हम अलग अलग लिखेंगे जैसे हम एक संख्या ले लें उसमें दस हजार की संख्या में जीरो कर दें सिक्स सेवन जीरो फोर जीरो टू थ्री जीरो फाइव तो इसका हम पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगा इसका भी पेयर ये दो एक जोड़े में ये एक ये दो ये दो और ये दो पढ़ेंगे कैसे सिक्सटी सेवन सरसठ करोड़ ये पूरा करोड़ और दस करोड़ का एक जोड़ा बनेगा करोड़ और दस करोड़ का एक जोड़ा लाख और दस लाख का एक जोड़ा हजार और दस हजार का एक जोड़ा इकाई और दहाई का एक जोड़ा और सैकड़ा अलग तो उसमें हम जोड़े में पड़ेंगे तो पीछे हजार लगाएंगे करोड़ में करोड़ लगाएंगे लाख में लाख लगाएंगे एटी फोर करोड़ चौरासी करोड़ नाइन्टी फाइव लाख पंचानवे लाख पंचानवे लाख सिक्सटी सेवन हजार सरसठ हजार पांच सैकड़ा पांच सौ सौ पांच सैकड़ा सौ और पांच और ऊपर पढ़ेंगे पांच सैकड़ा और तीन दहाई सात इकाई सैतीस ऐसे फिर से ट्राई करेंगे आठ दस करोड़ और चार करोड़ तो कितने हो गए जोड़े में चौरासी एट्टी फोर चौरासी करोड़ नौ दस लाख और पाँच लाख जोड़े होंगे पंचानवे लाख ऐसे ही सिक्सटी सेवन हजार सड़सठ हजार थाउजेंड फिफ्टी थ्री फिफ फाइव सैकड़ा पाँच सौ फाइव हंड्रेड थ्री सेवन तीन दहाई सात इकाई थर्टी सेवन और सैतीस तो फिर ले में पड़ेंगे चौरासी करोड़ पंचानवे लाख सड़सठ हजार पाँच सौ पाँच सैकड़ा और सैतीस ज़ीरो होंगी तो कैसे पढ़ेंगे सिक्सटी सेवन करोड़ सरसठ करोड़ जीरो चार लाख जीरो चार लाख जीरो दस लाख है दस लाख पे कौन सी डिजिट है जीरो तो जीरो दस लाख चार लाख तो होंगे चार लाख क्योंकि तो यहाँ पे जीरो है जीरो मतलब नथिंग कुछ भी नहीं चार लाख तो यहाँ जीरो है दस हजार पे और हजार पे दो है तो दो हजार तो यहाँ ऐसे होता दो पहले होता जीरो यहाँ होता तो ये हो गए ट्वेंटी तो ट्वेंटी हजार ट्वेंटी थाउजेंड थ्री हंड्रेड तीन सौ पाँच सड़सठ करोड़ सिक्सटी सेवन करोड़ जीरो फोर लेख चार लाख बीस हजार ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड 5 1 thousand, 10 100 1000 10,000 lakh टेन लाख करोड़ टेन करोड़ इस तरीके से एट्टी फोर करोड़ चौरासी करोड़ नाइन्टी फाइव लेख पंचानवे लाख सिक्सटी सेवन हजार सरसठ हजार सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाँच सौ थर्टी सेवन ओनली और दूसरा नंबर कैसे बढ़ेंगे सिक्सटी सेवन करोड़ सड़सठ करोड़ चार लाख फोर लेख ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार थ्री हंड्रेड तीन सौ पांच इस तरीके हम से हम सबसे पहले लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ पे संख्या लिख लेंगे और उसके बाद पेयर बनाएंगे पहला पेयर इकाई और का फिर सैकड़ा का अकेला हजार और दस हजार का एक पेयर लाख दस लाख का एक पेयर करोड़ दस करोड़ का एक पेयर पियर बनाने के बाद फिर हमें हम पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में यही मेन है किसमें टू टू के पेयर्स होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में दो दो के पेयर दो दो के जोड़े बनते हैं एक वंस एंड टेंस का इकाई दहाई का हंड्रेड अं, का एक अलग रहता है इंडिविजुअल डिजिट रहती है अकेला संख्या एक अकेली संख्या रहती है हजार और दस हजार थाउजेंड टेन थाउजेंड की एक पेयर एक जोड़ा लाख दस लाख का एक जोड़ा करोड़ दस करोड़ का एक जोड़ा इकाई दहाई का एक जोड़ा सैकड़ा अलग हजार दस हजार का एक जोड़ा लाख दस लाख का एक जोड़ा करोड़ दस करोड़ का एक जोड़ा और ऊपर जैसे ज़़ जैसे संख्या जाएंगी उनमें दस जो भी होगा उनके जोड़े जोड़े बनते चले जाएंगे इसी देखिए ये है इंडियन नंबर सिस्टम तो आज की क्लास में हमने सीखा इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में तो बच्चों घर पे इसका को रिवाइज करना इसे फिर से देखना और इसमें मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ उन्हें संख्याओं को लिखना और इन्हें अंकों में इसी तरीके से सेम लिखते हैं मैं लिख के बता देता हूँ यह एटी फोर चौरासी चौरासी फिर दस करोड़ और करोड़ ये जोड़ा है करोड़ का चौरासी फिर नीचे लिखेंगे करोड़ फिर है ये नाइन्टी फाइव लाख पंचानवे पंचानवे लाख सड़सठ हजार सड़सठ हजार पाँच सौ सैतीस अच्छा इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे एट्टी फोर करोड़

हंड्रेड एंड थर्टी सेवन इस तरीके से पीछे नंबर जो भी डिजिट है करोड़ है तो करोड़ लाख है तो लाख हजार है तो हजार सैकड़ा का सौ इकाई दाई का कुछ भी नहीं चौरासी करोड़ पंचानवे पंचानवे लाख सरसठ सरसठ हजार सरसठ हजार पाँच सौ पाँच सौ सैतीस इंग्लिश में एट्टी फोर करोड़ नाइन्टी फाइव लैक सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन इस तरीके से हम हमने जाना इंडियन आज की क्लास में इंडियन नंबर सिस्टम इसमें सबसे पहला दो का जोड़ा फिर एक फिर सारे दो दो के जोड़े चलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ तक के और केवल एक सैकड़ा का जोड़ा अकेला रहता है बाकी सब जोड़े में रहते हैं इकाई दहाई एक जोड़े में सैकड़ा एक अकेला हजार दस हजार एक जोड़े में लाख दस लाख एक जोड़े में और करोड़ दस करोड़ एक जोड़े में और आगे जो भी संख्या होगी वो अलग फिर से दो दो जोड़े में रहेगी तो आज की क्लास अब मैं घर के लिए होमवर्क देता हूं वो होमवर्क देखो उसे घर से कॉपी में कर ये है होमवर्क यानी घर से घर के लाना और मुझे चेक कराना नेक्स्ट क्लास में आई विल चेक दिस एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम थैंक यू गुड बाय